तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपके ब्रेन में चोट लग जाती है तो आपकी मानसिक स्थिति डगमगा सकती है, आपको सुनाई कम दे सकता है, समझ में आपकी कम आएगा, याददाश्त की क्षमता कमजोर हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाना है, दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाना है, तो आपके लिए यह अभ्यास सबसे उत्तम अभ्यास है। अगर आप इस अभ्यास को 7 दिन भी फॉलो कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है या बच्चा है कोई जो पढ़ाई कर रहे हों या अन्य किसी कार्य में व्यस्त हों, वह भी व्यक्ति इस अभ्यास को करते हैं तो उनकी भी मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाएगा। हम जो न्यूरॉन है उसका विभाजन नहीं हो सकता, दिमाग की कोशिका का विभाजन नहीं हो सकता, परंतु हम उसके आकार को बढ़ा सकते हैं, उसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं इस अभ्यास से। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले इस प्रकार आ जाएं माजरी आसन में। अब आपने क्या करना है, धीरे से टोस को टक इन करें और पर्वतासन में आएं। जब आप पर्वतासन में आ जाते हैं तो 1x1 करके एल्बो को मैट पर शिफ्ट करें और फोरहेड को ड्रॉप कर दें। इस प्रकार आप 3 से 4 मिनट इसका अभ्यास करें और फिर वापस माजरी आसन में आ जाएं। जब आपको लगे कि ब्रेन की ओर ब्लड का सर्कुलेशन हाई हो गया है तो थोड़ी देर शशांक आसन में जाएं, इसमें रिलैक्स करें और फिर धीरे से वापस आएं पर्वतासन में और फिर एल्बो को ड्रॉप करें और फिर से होल्ड रखें। इस प्रकार आप 4 से 5 बार इसका अभ्यास करें और देन रिलैक्स करें।